खबर जनपद उद्धम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां झनकैया में मेले में गया एक युवक नहर में डूब गया। वहीं मौके पर पहुंचे तहसीलदार यूसुफ अली ने बताया कि युवक की तलाश जारी है। वहीं गोताखोर युवक की तलाश कर रहे हैं, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण युवक को ढूंढने में दिक्कत हो रही है। वहीं लोगों का कहना है कि मेला कमेटी की बड़ी लापरवाही है, मेले को देखते हुए पानी का लेवल कम नहीं करवाया गया है, इस कारण वह डूब गया। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। जैसे यहाँ झनकैया मेले में हर साल मेला होता है, इसमें कोई व्यवस्था होती है? जैसे पानी भी कम होता है, 2 से 3 फीट रहता है पानी। आज जब से गंगा स्नान स्टार्ट हुआ है, उसमें से एक भी बार पानी कोई कम नहीं किया गया है। उसके द्वारा आज एक हादसा हुआ है, एक लड़के की कोई पानी में गिरने के बाद क्या हुआ अभी तक उसकी डेड बॉडी का कोई पता ही नहीं लगा है। और जैसे कमेटी में ये होता है, लड़के इधर उधर दोनों साइड लड़के रहते थे, इस बार कुछ नहीं, कोई व्यवस्था है ही नहीं। कोई डूब रहा है, मर रहा है, कोई चिंता नहीं है। पानी आज भी 10 से 11 फीट पानी है और ना कोई जाल लगा है, कोई है ही नहीं। जैसे मेले वालों ने पैसा उगाया था, उसकी कोई ये नहीं, कुछ जाल लगाए, कुछ रोके पब्लिक को। ये है कि करीब 11:30 बजे जो है एक बच्चा जो है नहाते तैरते हुए जो है उसमें डूब गया है, और जो गोताखोर है वो भी उन्होंने भी तलाश करा है, लेकिन पानी के थोड़ा कम होने के पर भी जो है उसको निकाला जाएगा या जहाँ भी उसके गोली मिलेगी।